एक्सपीरियंस हो गया है और आपसे इतने बच्चे जुड़े भी हैं, तो अभी जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है पूरे देश में, ये वायरस फैला हुआ है, तो उसमें एक सोशल मीडिया पे एक स्लोगन चल रहा है, नो फीस नो स्कूल नो फीस। तो सर पेरेंट्स का ऐसा रिएक्शन है कि फीस भी दो, उसके बाद से मोबाइल भी दो एंड उसमें रिचार्ज भी कराओ। सर इस पे आपका क्या कहना है? देखो अपने देश में चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, जबकि ये पेंडेमिक जाने वाली नहीं है, अभी फिलहाल एक दो साल हो सकता है कि हमारे जीवन का पूरा होल सिनेरियो ही चेंज कर दे। हो सकता है ऐसा है कि हमें बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ जाए, वो ऐसा भी हो सकता है कि हमें पूरे सिस्टम को ही चेंज करना पड़े। तो तुमको याद होगा कि पहले जो लोग कीपैड यूज नहीं करते थे, जैसे तैसे वो कीपैड मोबाइल पर आए और उसके बाद वो स्मार्टफोन तक आने में उनको बड़ा टाइम लगा, इसकी क्या जरूरत है हम क्या करेंगे, लेकिन आज उन्हीं को पसंद आता है। पहले लोग फेसबुक को ये समझते थे कि अगर किसी का बच्चा फेसबुक पे ज्वाइन है तो क्या कहते थे, अरे बच्चा बिगड़ गया। आज जो बच्चे बिगड़ने की गारंटी या इस तरह के स्लोगन चलाते थे, आज वो भी फेसबुक पे है। तो ये भारत देश की समस्या है, किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगता है। लोग कहते हैं नो स्कूल नो फीस, अच्छी बात है, ये बातें फेसबुक पर सोशल मीडिया पे सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसका नुकसान किसका है? स्कूल वालों का, कोचिंग वालों का? बिल्कुल नहीं। उनके पास बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, वो तो आज नहीं कल कुछ भी कर ही लेंगे, लेकिन इसमें परेशान कौन होगा? पेरेंट्स। अगर आप अपने बच्चे को, मैं टीचर हूँ, टीचर होने के बाद भी अगर मैं किसी चीज को 6 महीने नहीं पढ़ाता हूँ या 1 साल नहीं पढ़ाता हूँ और वो चीज अगर दोबारा मुझे पढ़ाने को मिलती है, तो होता यूं है कि मुझे भी दोबारा पढ़ाने में भी थोड़ा सा घबराहट होती है, मतलब हल्का सा मैं भूल जाता हूं। तो बच्चे अगर साल साल 200 साल नहीं पढ़ेंगे तो उन बच्चों का होगा क्या? ये एक समझने वाली चीज है, वो बच्चे अपने आप पीछे चले जाएंगे। हाँ, मोबाइल पर आंखें खराब हो जाती हैं, उन पर कोई दिक्कत है, उसकी हमें आदतें डालनी पड़ेंगी कि जैसे मोबाइल लगातार देखने, बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हमको आंखों को ब्लिंक करता रहना चाहिए, लगातार बैठे ना, थोड़ी बहुत देर उठ के वॉकिंग भी करें, इन चीजों को आदत में लाना पड़ेगा। बड़ा टैबलेट दें, अच्छा नेटवर्क दें, तब चीजें सुधरने में आएंगी और एजुकेशन का आप जो रास्ता है वो यहीं से गुजर के जाता है। मैं ये बातें 6 से ऊपर के लिए कह रहा हूं। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है, मेरे सामने भी क्वेश्चन आते हैं, मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि सर 8-10 हजार रुपए का मोबाइल खरीद के दो, उस पर नेट पैक कराओ, ट्यूशन और स्कूल की फीस दो। ये लोगों को, ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लस करते हैं। तो मेरे पास आए, मैंने कहा जितना आप प्लस करोगे ना, जनरेशन माइनस में जाएगी, आप पीछे चले जाओगे। मैं भी एक गरीब घर से हूं, लेकिन मेरे पापा मेरे घर वाले नई चीजों को एक्सेप्ट करने को, सीखने को, लर्निंग जो है उनके अंदर है, इसलिए वो आगे मुझे बढ़ा पाए। तो मैं उनसे कहता हूं जितना ये गुणा भाग आप लगाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा। सही तो ये रहेगा कि आप सबसे पहले आपको ये करना होगा कि 8,000-10,000 का मोबाइल तो देख लिया, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, कन्वेंस में बच रहा, बच्चे को हम बैग परचेज करके नहीं दे रहे, वो स्कूल स्टार्ट नहीं हुए, उनकी यूनिफॉर्म हमने नहीं खरीदी, अगर हम वो स्कूल या कोचिंग जाता साइकिल से ज्यादा तो हम साइकिल के पैसे 8-10 हजार रुपए देते, वो खराब भी होती साइकिल, फिर ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हो सकती थी, जिनका पैसा बच रहा है उनके हमें अपने बच्चों की प्रोग्रेस में, प्रगति में, आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया की कुछ ऐसी बातें जो मन में सुनने में लगती हैं उनको सुन के हमें उस तरफ जाना चाहिए, खुद के विचार बनाना चाहिए, खुद को आगे बढ़ने के लिए, कैसे बच्चों को आगे बढ़ना है इस बात के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, ना कि उनको रोकने के तरीके ढूंढना चाहिए। हाँ, बच्चे यूट्यूब पे कुछ गलत ना देखें, ये ना देखें, इसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें अपनानी पड़ेंगी, जैसे आप एजुकेशन के वही एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखें जो बच्चे से रिलेटेड हो, आप एप्लीकेशन ना उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल दें, बहुत सारी ऐसी आते हैं कि ये कंटेंट ना बच्चा देखे, ये देखे, आप उनको जाके, उनमें जाके आपको काम करना पड़ेगा। एक और बात तुमने देखी होगी कि हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं, बच्चों को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, बात भी सही है कि मोबाइल बच्चों को यूज नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों को खासकर, लेकिन तुमने अपने आसपास देखा होगा कि अगर बच्चा रो रहा है तो माँ या पिता उसको मोबाइल दे देते हैं तो थोड़ी देर वो शांत हो जाता है, ठीक, तब उसकी आंखें खराब नहीं होती हैं। लेकिन अगर मैं, वैसे इसके उसके भी पक्ष में नहीं हूं, मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूं कि छोटे बच्चों को मोबाइल दिया जाए, मोबाइल से बच्चों को दूर ही रखा जाए, लेकिन मानता कौन है। हाँ, लेकिन जो 7th-8th से बच्चे हैं उनके टाइम स्लॉट फिक्स करो कि इतनी देर तक बच्चे को देखना है,
देखते समय आप एक और अच्छी बात है इसमें, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे जाएं, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टीचर पढ़ा रहा है, आपके बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है वो कितनी अच्छी नॉलेज दे रहा है। आपने बच्चे को पास इससे पहले समय नहीं गुजार पाया, आप वो समय उसके साथ गुजार सकते हैं। एजुकेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ गलत नहीं सिखा रहा है, सही बच्चे को सिखाया जा रहा है। आप करीब से अपने बच्चे को जानने का एक मौका है, उसका फायदा उठाना है, ना कि क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिसाइज करना आसान होता है, पूरे परिवार को इस पैंडेमिक में सुरक्षित रखते हुए एक सीख की तरफ, एक लर्निंग की तरफ ले जाना थोड़ा सा कठिन काम है। इन चैलेंजेस को जो स्वीकार करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा, वो आगे पक्का चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह से हम ये कहते हैं अंग्रेजों की वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था बिगड़ गई, उसी तरह से कहीं हम ये न कहें कि चाइना के कोरोना की वजह से हम पीछे चले गए, जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब तो जापान पे पड़ा था, वो अभी भी पीछे नहीं है। समझो और सोचो क्यों।